हेलो गाइस, तो आज हम लोग बनाएंगे आलू के क्रिस्पी चावल से बनने वाले पकोड़े। इसमें हम बिल्कुल भी बेसन नहीं मिलाएंगे। तो ये मैंने चावल भिगो के रखे हैं एक घंटे पहले। इसे अच्छे से भिगो ले पानी में और उसके बाद से अब हम इसे पीसते हैं। देखिए, मिक्सी में मैंने चावल ऐड कर लिया और इसमें दो तीन लहसुन की कलियाँ, मिर्ची और जीरा डाल के इसे अच्छे से पीस ले। तो देखिए, बैटर मेरा पीस के तैयार है। इसे खोखिए, इसे मैंने कटोरे में निकाल लिया है। अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, हल्दी मिक्स कर देंगे। तो इधर मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है। देखिए, तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें अपने आलू के पकौड़े जो है क्रिस्पी क्रिस्पी बनने के लिए डाल दूंगी। आंच को थोड़ा कम ही रखेंगे ताकि अंदर से हमारे आलू पक जाए। मैंने बॉईल नहीं किया आलू को, इसे पकने देते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हुई से दिखाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। तो चलिए, है ना, देखिए खाने में भी उतने ही क्रिस्पी लगेंगे। तो ये ट्रिक मेरी आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बने हैं। तो इसे बन जाने दीजिए, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लगभग हो ही चुके हैं, बस मैं अभी इसे निकाल लूँगी। देखिए, देखने में ही कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। देख रहे हैं ना, निकालते वक्त भी कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है क्रिस्पीनेस की। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए इसे, आप चटनी के साथ, सॉस के साथ। तो देखिए, मेरे पकोड़े बनके रेडी हो चुके हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं और टेस्टी हैं बहुत खाने में भी। आप लोग भी ट्राई कीजिए। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पीनेस बना है इसके अंदर। और ये देखिए, तोड़ने पे भी एकदम अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनके रेडी हुआ है। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो पे आप लोग बने रहिए ऐसे ही और मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच।